सहकारी आवास समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अनशन पर चल रहे किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने अब प्रशासनिक अमले पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सीधे मंडलायुक्त आगरा ऋतु महेश्वरी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अगर अस्पताल में उन्हें कुछ हो जाता है या फिर उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है तो इसके लिए आगरा मंडलायुक्त जिम्मेदार होंगी। आपको बताते चलें कि सहकारी आवास समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर श्याम सिंह चाहर अपने साथियों के साथ अनशन पर थे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रशासनिक अमला लगातार जिला अस्पताल पहुंचकर उनसे अनशन तोड़ने की बात कह रहा है। देखो भाई, एडीएम सिटी है, सम्मानित व्यक्ति है, वो हमारे कहने से काम भी करते हैं। उन्होंने हमसे निवेदन किया कि चाहर साहब, आप भाई पानी भी नहीं पी रहे हो न खाना खा रहे हो, तो मेरा तो निवेदन है काम मेरे कहने से पानी तो पी लो भाई। मैंने कहा जूस नहीं पियेंगे और अनशन को भी नहीं तोड़ेंगे। तो उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए केवल पानी यूज किया है, और अगर बात नहीं बनती है तो हम ये दवाई भी लेना बंद कर देंगे और फिर दोबारा पानी को भी छोड़ देंगे। इसकी जिम्मेदारी आगरा की मंडलायुक्त, अगर हमारी जना नहीं होती है, कोई हादसा होता है या आगे पीछे कोई बात होती है या मेरी मौत करवाते हैं ये अधिकारी हॉस्पिटल में, तो इसकी जिम्मेदारी मंडलायुक्त की होगी। कुछ आश्वासन देखे गए? आश्वासन से देश नहीं चलता, कानून से चलता है। यानी कानून का राज है, आश्वासन का राज नहीं है, और ना आश्वासन को हम मानते हैं, क्यों किसान है, अनपढ़ व्यक्ति है। आश्वासन क्या होता है हम तो जानते ही नहीं, कौन सी नियमावली में लिखा है। नहीं, आश्वासन भी मिला है, कुछ समस्या जो मामले थे हमारे, उस एक समस्या का सॉल्व भी किया है। जो सहकारी समिति सचिव कुकथला थे वीरेंद्र विक्रम सिंह, उन्हें निलंबित भी किया है, हमें लेटर भी दे गए। लेकिन दो समस्या और हैं जो आवास से संबंधित श्री श्याम सिंह चाहर जी उठा रहे थे, उनमें प्रोग्रेस पहले हम जिस दिन 5 तारीख से मंडलायुक्त महोदय के कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, उस दिन खुद एआर कोऑपरेटिव ने कहा था मैं 8 तारीख तक दे दूंगा। उसके बाद 8 तारीख को वे अस्पताल में मिलने आए, उसके बाद कहने लगे 10 तारीख तक दे दूंगा। कल 10 तारीख को मिलने आए एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ आए, तब कह रहे हैं 2 दिन और दे दो मुझे। आखिर इतनी देर क्यों की जा रही है, क्यों खींचा जा रहा है लंबा? जब ये हालत, तब हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अधिकारियों की ये हालत है कि लंबा खींच रहे हैं, तो अगर भूख हड़ताल पर नहीं होते तो इनकी आप समझ सकते हो कि क्या हालत होगी, कि कितना लंबा खींच सकते हैं।